तेलंगाना सरकार की जगह डिफेंस के लिए बदली किए, पर वापस में जो तेलंगाना को जो मिलने का जगह था वो नहीं मिला था। इसीलिए हम लोग राजनाथ सिंह से तेलंगाना सरकार की तरफ से हमारा दरखास्त किए, आगे कार्रवाई करने के लिए राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था। दूसरी बात, हर प्रदेश में सैनिक स्कूल है, पूरा हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है, आंध्र प्रदेश में 2 है, कर्नाटक में हर प्रदेश में सैनिक स्कूल है केंद्र सरकार के, मगर तेलंगाना में कोई एक भी सैनिक स्कूल नहीं है। 10 साल KCR पूछा ही नहीं, मोदी जी दिया ही नहीं। इसीलिए इस बार हम लोग राजनाथ सिंह जी से मिलकर तेलंगाना के लिए, तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सैनिक स्कूल देने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किए। राजनाथ सिंह जी ने कोशिश करने के लिए वादा किया, तो इसीलिए तुरंत सैनिक स्कूल भी तेलंगाना को देने के लिए हम लोग राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट किए। और कटर जी से जो हैदराबाद डेवलपमेंट के लिए, मुझे रिवर फ्रंट के लिए एंड मेट्रो रेल के लिए एंड प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में गरीब लोगों को घरों के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किए। हमारा जितने भी पेंडिंग इश्यूज है 2 मंत्रियों से, दोनों से मिलकर तेलंगाना सरकार को, तेलंगाना जनता को जो मिलने का है वो पूरा रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। आगे बजट में तेलंगाना के लिए जो फंड्स लगाना है तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए, मैं ये याद दिलवाया, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। जब हिंदुस्तान के बजट, हिंदुस्तान के इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचना है तो हैदराबाद, तो 5 जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें से हैदराबाद एक है। इसीलिए मुसिर रिवर रिजुनेट करने के लिए फंड्स और मेट्रो, हैदराबाद में 1.5 करोड़ जनता है तो मेट्रो रेल के बहुत ज़रूरत है। इसीलिए केंद्र सरकार से हम लोग ये पूरे डेवलपमेंट के लिए हम रिप्रेजेंटेशन किया, हमारे 8 MPOs को साथ लेकर गए, 2 राज्यसभा MPOs को हम साथ में लेकर गए। आगे हम लोग केंद्र सरकार से जो जो तेलंगाना को मिलना है उसके बारे में दरखास्त की, आगे कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा। बिल्कुल फेल हो गए एग्जाम कंडक्ट करने में, दूसरे हाथ से सरकार किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे के केस को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो डिमांड किया सिटिंग जज को रखकर जो कार्रवाई करना है, तो हम कांग्रेस के पार्टी तरफ से तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते हम लोग केंद्र सरकार के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये सरकार के नाकामयाबी, किसी के ऊपर इल्जाम रख के, किसी को केस में रख दे के केस जो क्लोज करने के लिए CBI को देकर ये केस खत्म करने के लिए, भरी करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कंप्लीट जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। सर जी क्या कहा मैं सुना ही नहीं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब जब केंद्र सरकार ने फंस जाते हैं तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खामोश हो जाता है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इस बार करोड़ों लोग, करोड़ों योद्धा सड़क पे आ रहे हैं। तेलंगाना में हमारे यूथ कांग्रेस NSUI के हजारों लोग, विद्यार्थी लोग सड़क पे धरना कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार जो कार्रवाई करना है, जो भरोसा देना है करोड़ योद्धा को, जो स्टूडेंट्स को जो भरोसा देना है नरेंद्र मोदी जी, वो भरोसा नहीं दे रहा है। जो मोदी जी गारंटी कहा, मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका गारंटी कहाँ गए? नीट एग्जाम कंडक्ट करने में आपका गारंटी नहीं है, तो आपका गारंटी, इसका वारंटी खत्म हो चुके हैं। मैं चुनाव से पहले भी यही कहा था, मोदी जी वारंटी खत्म हो गए, मोदी जी कुछ भी करने दो उसका कुछ अक्सर नहीं लगने वाले। अभी भी कम से कम मोदी जी जुडिशियल इंक्वायरी डालो, सिटिंग जज को बिठा के इसके ऊपर कार्रवाई करना, और इसको जो जो इसमें ये करोड़ों विद्यार्थियों भविष्य जो खेला है उन लोगों को सबको, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। CBI इंक्वायरी है सर, ऑलरेडी CBI इंक्वायरी। यस, CBI इंक्वायरी इज नॉट इनफ, वी आर डिमांडिंग दैट जुडिशियल इंक्वायरी, सिटिंग जज के साथ ये इंक्वायरी चलना है। धन्यवाद।